ये है JK का टैक्सी मैक्स टायर, जो कि 155/80 R13 का टायर है, देख सकते हैं आप। ये जो है क्लेम के लिए आया है, बिल्कुल नया टायर है, जो कि कस्टमर जो है फाड़ करके लिया है, मतलब किसी कारण से जो है फट गया है, जानबूझ करके नहीं फाड़ा है उन्होंने, मगर ये इसमें कट लग गया है। और ये देख सकते हैं, ये ब्रिजस्टोन का टायर है। जी हाँ, ये ब्रिजस्टोन का टायर है 2022 का, 165/70 R14 स्टैंडर्ड का, देख सकते हैं आप। ये भी बिल्कुल नया टायर है, इसमें ये साइड से कट लग गया है, देख रहे हैं। अब जो भी बंदे, आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हो, जो भी बंदे हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और हम आपको बताएंगे, प्रॉपर आपको रिप्लाई देंगे कि आपका कौन सा टायर जो है क्लेम पास हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। देख सकते हैं आप, 215/60/17 का टायर है ये, जो कि ये किया में लगता है, और ये देख सकते हैं इसमें जो है कट लगा हुआ है, और ये क्लेम पास हो चुका है, और इस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट देख सकते हैं आप एकदम से 22/2023। तो ये जो 22/2023 जो था वो 22वां वीक का था, और देख सकते हैं ये गुड़ियर का टायर है, ये भी क्लेम पास हो चुका है, 165/70 R14 का टायर है ये गुड़ियर का, देख सकते हैं आप, ये भी जो है क्लेम पास हो चुका है, जो कि ये भी जो ऑलमोस्ट जो है सेम जो है नए टाइप का टायर है, देख सकते हैं आप इसमें कितना ग्रिप है। और ये टायर देखिए, ये ब्रिजस्टोन का टायर है, ये ब्रिजस्टोन का टायर है, नहीं C8 का टायर है, जो कि पंचर में चल के, मतलब डाउन चल के जो है ख़राब हो गया है, ये देख सकते हैं। ये C8 का सिकोरा ड्राइव के नाम से आता है, ये भी ऑलमोस्ट जो है 3-4 महीने चला हुआ टायर है, जो कि पंचर में चलने के कारण से जो है ये टायर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है और बिल्कुल ख़त्म हो गया, देख सकते हैं आप। ये नंबर्स वगैरह जो है बिल्कुल जो है मिट गया है, इतना डाउन चला है, जिसके कारण से जो है अंदर तक के जो है हालत, अंदर का देखिए टायर के अंदर का किस तरह से जो है एकदम जल गया है टायर, और बुरादा निकल गया है उसका। तो ये जो टायर है इसमें जो है कंपनी इंश्योरेंस देती है, अनकंडीशनल वारंटी देती है, इसीलिए जो है इस टायर का जो है सेलिंग अच्छा है। और ये जो है हमारे सामने जो है ये योकोहामा का टायर है, ये भी जो है इसमें कट लग गया है साइड में, और ये पंचर में काफ़ी दूर तक चल गया है, इसलिए जो है इसके भी नंबर्स जो है काफ़ी घिस गए हैं। ये जो टायर का नंबर है यानी डेट है 40/2021 का, यानी पिछले साल 2 साल हो गए लमसम इस टायर को बने हुए, जो कि सेल्स हुई थी 2 साल पहले, और इनका गाड़ी कम चलता था, जिसके कारण से जो है पंचर में चलने के बाद जो है ये नंबर मिट गए हैं। पर ये टायर जो है ये योकोहामा का R1 का है, मिड इन इंडिया का, जो कि देख सकते हैं एक बिल्कुल नया टायर है, बहुत कम चलती है उनकी गाड़ी, इसलिए इस हाल में था। और ये देख सकते हैं, ये भी ये योकोहामा का टायर है, जो कि 195/55/16 का टायर है, 95/55/16 का टायर है योकोहामा का, जो कि Earth 1 का है, देख सकते हैं आप, ये Earth 1 लिखा हुआ है, और जो कि इसमें साइड में कट लग गया है, ये अंदर से भी थोड़ा देख सकते हैं, ये निशान सा दिख रहा है, चोट सा, वो कट का निशान था, और एकदम मतलब थोड़ा बड़ा था, वहाँ पे पंचर जो है अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे पंचर लगाने से, वो बार बार लीक करती रहती है, इसलिए जो है पंचर नहीं लगेगा उसमें, कट मतलब कट लग गया तो वो रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं आप, इसमें गाड़ी नंबर लिखा हुआ है, बकायदा जिनकी गाड़ी है उनकी गाड़ी नंबर लिखा हुआ है, और ये कंप्लेंट जो क्लेम हुआ है, क्लेम पास होने के बाद जो डॉकेट नंबर मिलता है वो था। और ये जो है इसमें देख सकते हैं गुड़ियर का टायर है, जो कि इसका साइज है 85/60/15, देख सकते हैं आप इसमें किस तरह से जो है होल हो गया है, बिल्कुल नया टायर है। और ये देख सकते हैं हम लाइव दिखा रहे हैं, ये हमारे जो है इस यहाँ का शोरूम का जो है बंदा है, जो कि किसी भी कंपनी का टायर को जो है क्लेम का प्रोसेस जो है पास करता है, और ऑनलाइन जो है यहाँ क्लेम पास होता है, और आपको हैंड टू हैंड जो है आपको कई बार जो है हैंड टू हैंड मिल जाता है, कई बार जो है हैंड टू हैंड नहीं मिल पाती, 3-4 दिन की प्रोसेस लग जाती है क्लेम पास होने में, जो कि देख सकते हैं आप। ये UX रॉयल का जो है टायर है JK का, जो कि मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, कि ये जो देख सकते हैं आप, ये ऑनलाइन जो है ये क्लेम पास कर रहा है, और ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये फिल करता है अपने मोबाइल से एप्लीकेशन द्वारा,
और देख सकते हैं आप ये टायर गेज है जिससे जो है नापा जा रहा है कि टायर में कितना परसेंट जो है रबर रह गया है, उतने परसेंट जो है कस्टमर जो है यानी कंपनी जो है कस्टमर को चार्ज करती है कि ये टायर पे जो है आपको कुछ पैसे जो है देने पड़ेंगे, जितने आपने यूज किया है उतने पैसे देने पड़ेंगे, आपको टायर जो है नया मिल जाएगा, ना ही कंपनी का नुकसान ना ही आपका नुकसान। तो जी हाँ, हमारी वीडियो आज आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये देख सकते हैं आप ये बंदा जो है किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है जहाँ पे कट लगा हुआ रहता है वो फ़ोटो खींच करके जो है वो डालता है कि इसमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये कस्टमर जो कंपनी जो है ऑनलाइन जो है देख लेती है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, और फिर यहाँ से प्रोसेस होने के बाद हम जो है टायर्स को कंपनी भेज देते हैं और फिर वहाँ पे जो है चेकिंग होती है और फिर जो है कंपनी टायर कस्टमर को दे देती है। थैंक यू।